एके मिश्रा जी मुझे संक्षेप में जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं रोहित जी के पास भी जाऊंगी। क्या एमएसपी को लीगल करने में कोई परेशानी है, और अगर नहीं है तो फिर सरकार इस तरफ आगे कदम क्यों नहीं उठा रही है? मुझे इसकी पेचीदगियां भी समझाइएगा, क्योंकि आप भंडारण की बात कर रहे थे। बात सच है कि भंडारण क्षमता हमारे यहाँ नहीं है। 60,000 करोड़ का मनमोहन सरकार में अनाज खराब हुआ था। सीधा सा जवाब है, सुनिए जी। 70 सालों में भारतीय कृषि और भारत के किसान अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए, ये सारे लोग मानते हैं। ये खड़े होने के लिए ही मांग चलती थी कि एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए या इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। आज पार्शियल वे में थोड़े बहुत तरीके से इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर से लिंक किया जा रहा है। रही बात एमएसपी की, मैं सपोर्ट करूंगा कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक निश्चित प्राइस की एश्योरिटी दे, जो कि किसानों के मन का भय है वो खत्म हो जाए। जब एग्रीकल्चर और किसान और एग्रीकल्चर सेक्टर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, इंडस्ट्री के भी फायदे मिलेंगे। जब इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का क्लब होगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नुकसान रुकेगा। मैंने डाटा आपको बताया, हजारों मीट्रिक टन किसानों का ऐसे ही सड़ जाता है, उसको वो बेच भी नहीं पाते हैं। बेच के जब वो पैसा कमाएंगे तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि मार्केट प्राइस एमएसपी से भी ऊपर हो। आप ये देखिए, आईटीसी ने ई चौपाल एक प्रोग्राम चलाया था, हाथों हाथ खरीद करके पैसे वो देते थे और एमएसपी से ऊपर देते थे। यहाँ पे मंडी में आप अपना गिरा करके चले आओ, पैसे मिलेंगे 6 महीने के बाद। गन्ना किसान मिल में अपना गन्ना दे देते हैं, पैसे मिलते हैं 4 साल के बाद, 10 साल के बाद टाइम पे पैसा नहीं मिलता है। ठीक है रोहित जी, संक्षेप में क्लोजिंग कमेंट, आपको आगे की राह क्या दिख रही है? मुझे आप ये बताइए, फिलहाल अवार्ड वापसी के अगर दौर की मैं बात करूं, जिस तरीके से तमाम रेसलर्स आए, करीब 30 खिलाड़ी आए पंजाब से कि भाई हम अपना अवार्ड लौटा देंगे, उसके बाद प्रकाश सिंह बादल भी आते हैं और पद्म विभूषण लौटा देते हैं, ये क्या नफा नुकसान को देखते हुए एक तरीके का कदम आप मानेंगे प्रकाश सिंह बादल की तरफ से? नहीं, देखिए प्रकाश सिंह बादल का तो उन्होंने लौटाया, उनके लिए कोई चिंता नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा, उनको चिंता इसलिए नहीं है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो 10-20 अवार्ड उनको और मिल जाएंगे। अवार्ड की कीमत वो करता है जो मेहनत करे, जो इलिजिबल हो और जिसको संघर्ष के बाद अवार्ड मिले। अवार्ड बीजेपी ने नहीं दिया है, बीजेपी की बपौती नहीं है अवार्ड, कांग्रेस की बपौती नहीं है, वो 4 शेयर वाले भारत देश के 120 करोड़ की जनता को दिया जाता है। अगर किसी भी आदमी ने किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, पद्म भूषण पद्म विभूषण ये सारे अवार्ड लौटाता है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि 120 करोड़ की जनता का वो अपमान कर रहा है, न कि बीजेपी और कांग्रेस का अपमान कर रहा है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, चाहे जो भी हो अवार्ड लौटाने वाला, कहां गई सहिष्णुता इन लोगों की जो अवार्ड लौटा रहे हैं, कि जरा सा एक अगर कोई बिल आ गया, चाहे कोई बिल आया हो, तो इतने असहिष्णु हो गए कि 120 करोड़ की जनता की सहिष्णुता ने जो इनको अवार्ड दिया था उसको वापस करने लगे। अशोक चक्र का जो सम्मान इन लोगों को मिला था, हजारों साल की परंपरा के सम्मान को इन्होंने एक मिनट में तिलांजलि दे दी, सिर्फ इसलिए कि हमारी बात को मान लिया जाए। कोई भी पक्ष हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, किसान हो, चाहे नेता और वो हो। दूसरी चीज मैं बात करूंगा, एग्रीकल्चर की बात सुन लीजिए जरा। मैं मानता हूं कि बीजेपी ठीक से समझा भी नहीं पाई, और विपक्ष के जितने भी लोग हैं, चंद्रशेखर इसमें भीम आर्मी के थे, कांग्रेस थे, ये सारे के लोग, ये सही तरीके से मुद्दों को, किसानों के मुद्दों को उठा नहीं पाए। ये जब इसमें भेड़िए घुसने लगे तो किसानों की जो असली प्रॉब्लम थी वो भटक गई है। ठीक है सर, सर इस पॉइंट को बाद में डिस्कस करेंगे सर, अभी जरा अवार्ड पे बात कर लेते हैं और उस पर जरा काउंटर जवाब भी ले लेते हैं। परमिंदर जी, सम्मान क्या बहुत छोटी चीज समझते हैं कि लौटा देंगे उसे? ये सम्मान का अपमान नहीं है? अगर कोई नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठकर इस तरह की बात करता तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। ये जो अवार्ड वापस किया गया है, सुखदेव सिंह ढींसा जी ने भी करा है, प्रगट सिंह जी ने भी करा है, ये एक प्रोटेस्ट का तरीका है। ये उन लोगों के सम्मान के लिए करा गया है जो 12 लाख किसान जिनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके लिए खाइयां खोद दी जाती है, जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है और उनको दिल्ली नहीं आने दिया जाता, जब वो दिल्ली आते सारे बॉर्डर सील कर देते हैं, उसके बाद इस प्रेशर के अंदर ये वार्ता खेला जाता है। देखिए कोरोना काल के अंदर किसान अपने परिवार के साथ अपनी जान तक खेल कर बैठा हुआ है, वहाँ पे इतनी शर्मिंदा उसका अपमान हो रहा है। आप उनके फैसले भी लिए जा रहे,
आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्रकाश सिंह यादव की बात कर रहे हैं, प्रकाश सिंह यादव 25 साल देश के केंद्रीय सेवा पंजाब के 12 साल की जेल है, उनके जैसा प्रोफाइल अभी किसी भी दिग्गज नेता का नहीं है। आपको दल ने से पहले 100 वर्ष चाहिए। एके मिश्रा जी, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपको शर्मा नहीं चाहिए, आपको अपने एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं परमिंदर सैठी? आप कौन सा अवार्ड ला पा रहे हैं? अशोक चक्र के निशान वाला अवार्ड, 120 करोड़ की जनता के तरफ से जो अवार्ड मिलता है उसको लौटा रहे हैं? ठीक है, लंदन के अंदर, वाशिंगटन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर सारे किसान लोगों का समर्थन कर रहे हैं, आप यहाँ पर बैठे सरकार की संकल्प कर रहे हैं। किसान है, कौन से किसानों की आवाज उठी है केवल आपके पार्टी के किसानों को छोड़? अरे परमिंदर जी, यही तो सवाल है कि ठीक है, समर्थन जताने का आपका तरीका और भी तो हो सकता था। रोहित जी, सम्मान को राजनीति में घसीटना। एके मिश्रा जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एके मिश्रा जी, आप ये बताइए, सरकार अपनी दलीलों पर कायम, वहीं किसान भी अपनी दलीलों पर कायम। आज तो हद ये हो गई कि किसानों को जो ऑफर किया गया था सरकार की तरफ से खाना, वो तक मना कर दिया। अपने साथ वो पैक्ड खाना लाए थे, जमीन पर बैठकर उसको खाया, यानी कि एक तरीके से दिखा दिया गया है कि हमें सरकारी अन्न भी मंजूर नहीं है, सिर्फ हमारी मांग पूरी कर दीजिए। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को भी आप सुन रहे थे, उनकी बाइट हमने सुनवाई थी लोगों को, वो कह रहे हैं कि एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होगा, एमएसपी को और मजबूत किया जाएगा, पहले भी थी एमएसपी, आगे भी जारी रहेगी। ये बातें तो पहले भी सरकार कहती रही है, यानी कि अगर दोनों ही तटस्थ रहेंगे तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? मैम देखिए, पहली बात तो ये है जो आपने बोला कि किसानों ने खुद अपना खाना बना के खाया, यही तो आत्मनिर्भर भारत का मंत्र है कि भारत का एक एक आदमी अब सरकार के ऊपर से उसकी निर्भरता खत्म हो रही है, सरकार या प्राइवेट। उसके आत्मनिर्भरता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मुझे देखने को मिला। मैं किसान भाइयों को बधाई देना चाहूंगा कि सरकार की जरूरत उनको नहीं है, वो अपना खाना तक खुद भी बना सकते नहीं हैं। सर, वो सताया था, सर वो सताया था, वो तंग था, सरकार को नाराजगी दिखाने का तरीका था, वो सटायर नहीं था, देखने का तरीका है। यही किसान या बहुत सारे लोग ऐसे थे जो प्रदर्शन करने आते थे, उनको चाय और पानी भी नहीं मिलती थी। आज इतना ज्यादा आत्मनिर्भरता आ गई है कि 3-3 महीने का राशन लेके बैठे हैं। बात मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे ये है कि बात यहाँ एग्रीकल्चर की ना सरकार कर रही है ना किसान कर रहे हैं, बात एग्री पॉलिटिक्स की हो रही है। तो मुझे लग रहा है कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बात जरा हम एग्रीकल्चर की कर ले, सारे विद्वान और सुधी जन बैठे हैं, बहुत पहले से ये चर्चा होती थी, मांग उठती थी कि एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए। सरकार ने, किसी भी सरकार ने पहली बार पहल की कि एग्रीकल्चर को, खेती किसानी को इंडस्ट्री से लिंक करने की, यानी इंडस्ट्री का इंटरफेरेंस एग्रीकल्चर में अब शुरू हुआ है। जरा कुछ डाटा आप देखिए, 194 मिलियन रोज लोग जो है यहाँ रोज भूखे सोते हैं, 40% हमारे फूड प्रोडक्ट कंज्यूमर के पहुंचने के पहले खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। $14 बिलियन यानी 1,00,000 करोड़ रुपए का अनाज यहाँ पे चूहे और ये सब अब खा करके नष्ट कर देते हैं। प्रोक्योरमेंट रखने की उनकी सुविधा नहीं है। उसके साथ और देखिए, अकेले 2016-17 में FCI की वेबसाइट पे जाकर के आप देखिएगा, 8,600 टन अनाज खराब हो गया, भीग गया, सड़ गया, इसकी बात ये नहीं करते हैं जी। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं तो प्रोक्योरमेंट की बात होगी, अच्छे तरीके से उसको संरक्षण मिलेगा, खाद्य भंडारण होगा, ये वेस्टेज रुकेगी, वेस्टेज रुकेगी तो लोगों के ही तो काम ठीक आएगी। सर, आपने कानूनों के फायदे बता दिए, लेकिन ये फायदे किसानों को क्यों नहीं दिख रहे? किसान क्यों परेशान है, किसान को क्यों शंका है? रोहित जी बताइए। देखिए किसान, इनकी किसान को सरकार, देखिए किसान में आ गए हैं, सरकार की जिम्मेदारी है इंडस्ट्रियल या औद्योगिक फायदे गिनाए हैं, बता रहे हैं। मैं तो 250 पॉइंट गिनाऊंगा जिसमें किसान को फायदे हैं। अमेंडमेंट पहली बार ये भारत में पास हुई है जबकि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री से लिंक किया जा रहा है, आप फायदे गिनाइएगा और रोहित जी आपकी जो आपत्ति है उस पर बताइएगा। चलिए एके मिश्रा जी, अरे आपका जो भारत का अन्नदाता भारत का किसान, सरकार नहीं बता भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है कृषि केंद्रित आधारित अर्थव्यवस्था, एग्रीगेरियन इकोनॉमी। उस इकोनॉमिक व्यवस्था में आज किसान को कोई अधिकार नहीं है साहब।
आज किसानों को सरकार खाना मुहैया करा रही है। मीटिंग में उसका तनखा बता रहे हैं मोदी जी। किसानों ने गांधी जी के जो आंदोलन में हुआ था नॉन कॉम्प्लेसेंट, वो आईना दिखा रहा है आज मोदी जी। आज मोदी जी को नींद नहीं आएगा। पॉलिटिकल बातें मत करिए, इनके पास सवाल ही नहीं है। आपके जब आका सत्ता में थे, जब एमएसपी लेके आए थे दशकों पहले, तो क्यों उन्होंने एमएसपी कंफर्म नहीं किया? यदि आप करते थे कि एमएसपी पे आकाश खरीदेंगे, और आपके आका आज पंजाब में बैठे, क्यों आज सबसे ज्यादा वहां से किसान निकल रहा है? अरे कहिए अपने आकाओं से एमएसपी पर चर्चा करें। एक मिनट संदीप जी, पंजाब से नहीं निकल रहा है, बगल में हरियाणा से भी निकल रहा है। बिहार के किसान क्यों नहीं निकल रहे हैं? बंगाल के किसान क्यों नहीं निकल रहे हैं? तमिलनाडु के किसान क्यों नहीं निकल रहे हैं? किसान 120 करोड़ की जनता में केवल 7 भारतीय जनता वाले राज्य से निकल रहे हैं। जवाब नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही सरकार को जो करारा जवाब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। पॉलिटिकल बातें करिए, किसानी की बातें मत करिए, एग्रीकल्चर की बात मत करिएगा, क्योंकि खेत और किसान के पास तो आप कभी गए ही नहीं हो ना। आप एग्रीकल्चर की बात करिए, जो एक मिनट में प्रदर्शन कर रहा है कि भारत की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। जनाब पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे बिहार में, पूरे झारखंड में किसान आप बबूला है। आपको क्या पता है मिश्रा जी? आप तो ब्लोवर जला कर अपने घर में पन्ना पलट रहे हैं। केवल पंजाब में आप ट्रिलियन की परिभाषा बता रहे हैं, राजस्थान में आप खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, आप पर सीधा आरोप ये है कि सरकार तो किसानों की हालत में बदलाव चाहती है, उनको आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन आपने पंजाब के किसानों को भड़का कर उस मकसद को खत्म कर दिया है। अजय वर्मा जी, कलम से साइन करिए। ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों को आंदोलन है, ये खाली पंजाब या राजस्थान के किसानों को आंदोलन नहीं है। ये बेइज्जती अगर करेंगे तो किसान इनको इतना बेइज्जत करेंगे कि इनको खाने को रोटी भी नसीब नहीं होगी। ऐसे एबीसी पार्ट को जो पूरे दुनिया के किसानों का आंदोलन बना दीजिए ना, जो वीडियो सीडी ले जाते हैं इनके पास आपकी तो कोई बुद्धि है नहीं। अरे सर एक एक करके बोले सर, एक साथ बोलेंगे तो फिर बहस का कोई तर्क नहीं रह जाएगा, बहस का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सर एक एक करके बोले, सभी से गुजारिश है सुन ले ना हमारी बात। अच्छा अजय जी, पॉलिटिकल पिकनिक वाले कब निकल के जा रहे हैं इस आंदोलन में? सुने ना हमारी बात, इनसे कहिए जो बीजेपी की आईटी सेल की एबीसीडी सीडी लेके आते हैं, उनके पास अपना ज्ञान तो है नहीं कोई। ये तो घर में एसी में या बिलोर में बैठे नेता कांग्रेस से, नेता कांग्रेस से मेरी विनती है कि अगर पढ़े लिखे हैं तो एग्रीकल्चर पे कुछ डाटा बेस बात करिए। कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात करिए। ठीक है परमिंदर जी, मुझे एक बात बताइए, परमिंदर जी मुझे एक बात बताइए, आप लोग भी छह साल मोदी सरकार के साथ रहे, एनडीए का हिस्सा रहे, ये एमएसपी को लेकर आज जो इतना हो हल्ला है, आप लोगों ने कभी एमएसपी को लेकर मोदी सरकार को क्यों सुझाव नहीं दिया कि एमएसपी को लीगल कर देना चाहिए? और ये बताइए मुझे कि भूमि अधिग्रहण जब कानून आया था उसको लेकर भी काफी विरोध हुआ था, तब तो आप लोगों ने अवार्ड वापस नहीं किया, तभी तो किसानों का ही विरोध था। आज आप अवार्ड वापस करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप देखिए, आप इस बात को समझिए, हमारे देश का दुर्भाग्य है, जो हमारे देश का किसान है वो सालों साल से शोषित है, उसकी अब ये जो कानून आया है, आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं, किसानों के अधिकारों की बात नहीं करते, जो बिजनेस इकोनॉमी तो आएगी, इकोनॉमिक्स तो बढ़ेगी, पैसा तो आएगा, वो 6 लाख कंपनियों के पास आएगा, किसान को 10 रुपए मिलेंगे, जो कंज्यूमर है वो भी ठगा जाएगा, किसान भी ठगा जाएगा। आप किसानों देखो, आप पहली बात तो ये, किसान के जो नेता है, जो संगठन के नेता है, बहुत पढ़े लिखे और बहुत सूझवान लोग हैं, वो ये विरोध प्रदर्शन तो कोई किसान का नेता रखी नहीं रहा है ना। उनसे पूछिए कि भंडारण की असुविधा के कारण कितने हजार मीट्रिक टन। अरे बीजेपी आईटी सेल को सीडी बंद कर दो, जो वहां से लेके आए हो, कुछ अपना ज्ञान लगा लो मेरे भाई। ये बीजेपी आईटी सेल की सीडी बंद कर दो, जो वो बांटते हैं। इकोनॉमी तो वैसे खड़े हैं, ठीक है ठीक है। संदीप द्विवेदी जी को लेके आते हैं चर्चा में। संदीप द्विवेदी, आप लोग कहते हैं ना कि आप लोगों ने ऐसे कदम उठाए जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया। हम 6000 एके मिश्रा जी, मुझे संक्षेप में जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं रोहित जी के पास भी जाऊंगी। क्या एमएसपी को लीगल करने में कोई परेशानी है, और अगर नहीं है तो फिर सरकार इस तरफ आगे कदम क्यों नहीं उठा रही है? मुझे इसकी पेचीदगियां भी समझाइएगा, क्योंकि आप भंडारण की बात कर रहे थे। बात सच है कि भंडारण क्षमता हमारे यहाँ नहीं है, 60,000 करोड़ का मनमोहन सरकार में अनाज खराब हुआ था। जी, सीधा सा जवाब है, सुनिए जी।
70 सालों में भारतीय कृषि और भारत के किसान अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए, ये सारे लोग मानते हैं। ये खड़े होने के लिए ही मांग चलती थी कि एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए या इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। आज पार्शियल वे में थोड़े बहुत तरीके से इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर से लिंक किया जा रहा है। रही बात एमएसपी की, मैं सपोर्ट करूंगा कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक निश्चित प्राइस की एश्योरिटी दे, जो कि किसानों के मन का भय है वो खत्म हो जाए। जब एग्रीकल्चर और किसान और एग्रीकल्चर सेक्टर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, इंडस्ट्री के भी फायदे मिलेंगे। जब इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का क्लब होगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नुकसान रुकेगा। मैंने डाटा आपको बताया, हजारों मीट्रिक टन किसानों का ऐसे ही सड़ जाता है, उसको वो बेच भी नहीं पाते हैं। बेच के जब वो पैसा कमाएंगे तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि मार्केट प्राइस एमएसपी से भी ऊपर हो। आप ये देखिए, आईटीसी ने ई चौपाल एक प्रोग्राम चलाया था, हाथों हाथ खरीद करके पैसे वो देते थे और एमएसपी से ऊपर देते थे। यहाँ पे मंडी में आप अपना गिरा करके चले आओ, पैसे मिलेंगे 6 महीने के बाद। गन्ना किसान मिल में अपना गन्ना दे देते हैं, पैसे मिलते हैं 4 साल के बाद, 10 साल के बाद, टाइम पे पैसा नहीं मिलता है। ठीक है रोहित जी, संक्षेप में क्लोजिंग कमेंट, आपको आगे की राह क्या दिख